महोदय जब 1,00,000 केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, बताइए हमने दाव पे लगा करके परीक्षा दिया महोदय, आपने विज्ञापन को बदावते सरकारी खर्चे पे पूरे बिहार के अखबार में विज्ञापित किया था, अब बताइए सब कुछ गलत हो जाएगा महोदय, सबको आप भुला देंगे, बताइए आपकी साख को क्या होगा, आपकी साख खराब हो रही है, आपकी साख खराब होगी, हमें इसकी चिंता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साख खराब नहीं होना चाहिए, ये बिहार का गौरव है आप, और बिहार के गौरव के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी साख को बचाए रखना, इसलिए हमारा नम्र निवेदन है कि आपकी साख की रक्षा के लिए ये उचित कदम उठाया जाए और बिहार में एस्टेट 2019 का जो मुद्दा था उस विज्ञापन का पालन करवाया जाए और माननीय शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया जाए। महोदय मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ, निर्देश दिया जाए, आदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निर्देश दिया जाए कि महोदय विज्ञापन का पालन करवाया जाए। मैं शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ विज्ञापन के खिलाफ जो काम हुआ है उसके खिलाफ, बताइए ये कभी भी अनैतिक है महोदय, कोई भी सुनेगा जब मैं बोलता हूँ पटना के। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। हमारे साथ स्टेट का अभ्यर्थी अनिल जी आए हुए हैं बात करने के लिए, और इन्हें क्या कुछ समस्या था हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले महोदय रिपब्लिक न्यूज़ को और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि मैं आपने मेरा मुद्दा उठाया। हमारा मुद्दा स्पष्ट है, एस्टेट 2019 विज्ञापन का पालन हमारा यही है। महोदय 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन निकाला गया था, भर्ती प्रक्रिया का, उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी और उसके आधार पर हमने फॉर्म भरा था। 500 रुपये दे करके हम 3 साल तक तैयारी करने के बाद जब 21 जून 2021 को रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया था, असंवैधानिक, टोटल असंवैधानिक। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि महोदय हम आपके बच्चे हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, हमारी दर्द को समझें, हम लोग दर्द पे समझें, हम लोग को जो सड़क पे लाए हैं इसको समझें और जो शीतकालीन सत्र आ रहा है उसमें हमारा जो विवाद है उसको खत्म करें महोदय, यही हम आपसे विनती करने आए हैं। और सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और साथ में बिहार के 243 माननीय विधायकों को और माननीय विधान परिषद के सदस्यों को मैं ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि महोदय जो एस्टेट 2019 का विज्ञापन का मुद्दा है, जो मेरिट का मुद्दा है, उसको उठाया जाए महोदय और हम लोगों को न्याय दिया जाए। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम लोग विज्ञापन के रास्ते पर चलने वाले हैं महोदय, हम गलत नहीं मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। और क्या बताइए, आप सभी के रहते हुए हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? हम इसी मांग के लिए आपके चैनल के जरिए आज हम बिहार सरकार से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये संदेश देने आए हैं कि महोदय हमारा मुठ्ठा विधानसभा के जो विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें हमारा मुद्दा को उठाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस राज्य के कर्ता धर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी है और उनसे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री मेरे पिता तुल्य हैं और उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन महोदय हमारा जो दर्द है, हम 30,675 अभ्यर्थियों का जो दर्द है महोदय, वो सुना जाए, समझा जाए महोदय। हम बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है महोदय, आपका जो सपना था बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग को दुनिया का देश का नंबर वन बनाना, उसको हम साकार करने में आपकी मदद करेंगे। जिस तरह से महोदय आप NIT से पढ़े हैं, मैं भी NIT से पढ़ा हूँ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ महोदय कि बिहार में जो इस बार 30,675 अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है महोदय, वो जबरदस्त पढ़े लिखे और विद्वान अभ्यर्थियों की सूची है, मेरिटधारियों की सूची है। कोई IIT NIT से पढ़ा है महोदय, कोनो DU BHU और JNU से पढ़ा है महोदय, और उन लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, बिहार सरकार में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, तो बताइए न आपको अच्छा शिक्षक मिलेंगे। महोदय जब 1,00,000 केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, बताइए हमने दाव पे लगा करके परीक्षा दिया महोदय, आपने विज्ञापन को बदावते सरकारी खर्चे पे पूरे बिहार के अखबार में विज्ञापित किया था, अब बताइए सब कुछ गलत हो जाएगा महोदय, सबको आप भुला देंगे, बताइए आपकी साख को क्या होगा, आपकी साख खराब हो रही है, आपकी साख खराब होगी, हमें इसकी चिंता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साख खराब नहीं होना चाहिए, ये बिहार का गौरव है आप, और बिहार के गौरव के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी साख को बचाए रखना, इसलिए हमारा नम्र निवेदन है कि आपकी साख की रक्षा के लिए ये उचित कदम उठाया जाए और बिहार में एस्टेट 2019 का जो मुद्दा था उस विज्ञापन का पालन करवाया जाए और माननीय शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया जाए। महोदय मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ, निर्देश दिया जाए, आदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निर्देश दिया जाए कि महोदय विज्ञापन का पालन करवाया जाए। मैं शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ विज्ञापन के खिलाफ जो काम हुआ है उसके खिलाफ, बताइए ये कभी भी अनैतिक है महोदय, कोई भी सुनेगा
जब मैं बोलता हूँ पटना की सड़कों पर तो पूरे देश की जनता इसे देखती है, और जब देश की जनता देखेगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो पीएम मटेरियल हैं उनके राज्य में एक ऐसा होता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा एस्टेट 2019 का विज्ञापन निकाला जाता है और चयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी रिजल्ट के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है, ये अनुचित है। आपकी साख खराब होगी, आपकी इज्जत खराब होगी, और आप आने वाले कल में क्या जवाब देंगे ये हमें बताएं। और हमें इतना लेना देना नहीं है, मैं सीधे बिंदु पर बात करना चाहता हूं महोदय कि आप विज्ञापन का पालन करवाइए, आप इंसाफ करिए। अगर हम लोगों को बिहार में मौका मिलता है महोदय तो बिहार को हम नंबर वन राज्य बना देंगे इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में। और हम लोग जैसे विद्वान शिक्षक जिस स्कूल में जाएंगे जो 5 तरह से अंग्रेजी बोलता है, फर्राटेदार MSc तक मैथ साइंस और कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकता है महोदय, अगर ऐसे शिक्षक अगर आपको मिलेंगे तो आपका नाम रोशन होगा। हम जहां भी जाएंगे बिहार को प्रतिनिधित्व करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं शिक्षक हूँ, एक ऐसा शिक्षक जिसकी कोई तुलना नहीं और कोई जोड़ नहीं है महोदय। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस तरह आपके सहयोग से, आपके कर्मभूमि से, आपके कर्मों से बिहार का नाम रोशन हुआ है, हम हमारे नाम से और हमारे कर्मों से भी बिहार का नाम रोशन हो, हम यही चाहते हैं महोदय, हम यही चाहते हैं। ये खास तौर पर देखा किस तरह से सीटेट का अभ्यर्थी थे अनिल कुमार ने, जो नीतीश कुमार से सीधे ही निशाना साधते हुए कहा कि हमें ऐसा शिक्षक की टोली है जो हम बिहार का नाम रोशन करेंगे। रिपब्लिकन न्यूज के साथ बने रहिए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।